अस्सलामुअलैकुम, ये दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक और बायोलॉजी क्लास 9th एंड 10th की ये प्रैक्टिकल नोटबुक ले आया हूँ आपके सामने, और ये आपको आज दिखाऊंगा कि इसको कैसे बनाते हैं। ये यहाँ पे फेडरल बोर्ड की है और स्टार पब्लिशर्स वालों की है, विद शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट एंड क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, और मुश्ताक अहमद शेख साहब ने लिखी है। तो इसी तरह की मैं आज आपको एक और भी दिखाऊँगा, और आज रेड पेन भी साथ लें, उनको चेक भी करना है। और यहाँ पे अगर हम इसको ओपन करें तो ये हमारे पास फर्स्ट इसका पेज है, उसके बाद ये आगे ये वाला पेज है। यहाँ पे आपने अपना सर्टिफाइड दैट मिस्टर को टिक कर देना है अगर आप लड़के हैं, मिस को टिक करना है अगर लड़की हैं। तो यहाँ पे जिस तरह मेरा है तो जवाब मंजूर, मतलब मेरा तो नहीं है, मेरे स्टूडेंट का है। तो यहाँ पे आपने अपना बोर्ड का रोल नंबर लिख देना है, और उसके बाद यहाँ पे अपनी क्लास लिखनी है, 9th है, डेफिनेटली 10th का आगे एक और सर्टिफिकेट बना होगा। और यहाँ पे अपना स्टूडेंट ऑफ फौजी फाउंडेशन कॉलेज फॉर बॉयज़ या आपका जो भी कॉलेज है वो लिखना है, और आगे रावलपिंडी या इस्लामाबाद यहाँ पर लिखना है। बायोलॉजी पहले से लिखा है, और 22,000 यहाँ पर अभी 22 है तो आपने 22 लिखना है, और यहाँ पर आपने एजुकेशन के आगे इस्लामाबाद लिख देना है। और यहाँ पे आपका ये जो मेरे साइन है ये सिग्नेचर है बायोलॉजी टीचर के, आपने साइन कर देने हैं, और यहाँ पे नीचे डेट डाल देनी है, और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन मतलब प्रिंसिपल साहब के साइन करके नीचे डेट डाल देनी है। और ये हमारा तकरीबन सर्टिफिकेट कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे अभी हम क्या काम करते हैं कि ये हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं। एक्सपेरिमेंट्स में आपको मैंने 10th के तो तफसीलन बता दिए थे, 9th के भी जो प्रैक्टिकल्स हैं जिनमें डायग्राम्स हैं उनका प्रोसीजर और रिजल्ट्स वगैरह नहीं है, उनकी सिर्फ आपने डायग्राम्स बनानी है। बाकी ये जितने भी ये वाले प्रैक्टिकल्स हैं इन प्रैक्टिकल्स को आपने क्या काम करना है, लिखना है। इसी तरह हम यहाँ पे आगे आते हैं, तो ये आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी जैसे कि बताया था, ये ऊपर एक्सपेरिमेंट नंबर लिखा होता है, ये वाला ये जो 1 लिखा हुआ है ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर है, और उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट का नेम है, और ये उसका अपरेटस है, और ये वाला इसका अपरेटस है ये जो येलो में लिखा है, उसके बाद ये पूरा प्रोसीजर है। और बाकी आगे आपको ये प्रिकॉशंस वगैरह आपने नहीं लिखनी होती, उसके बाद ये नोट्स वगैरह नहीं लिखने होते। चलिए आगे चलते हैं, किसी प्रैक्टिकल को देखते हैं और फिर आपको डिस्कस करता हूँ कि क्या आपने करना है इसका। ये आपको ऑब्जर्वेशन वगैरह लेने की टेक्निक्स है, हाउ गुड बॉक्स इज़ योर मेमोरी, और रूल्स फॉर ऑब्जर्वेशन लिखे हैं, ये सारे आपने एक बार पढ़ लेने हैं। ये डाइसेक्टिंग बॉक्स लिखा है क्योंकि पहला प्रैक्टिकल जो होता है फ्रॉग को आपने डाइसेक्ट करना होता है। उसके बाद ये माइक्रोस्कोपिक वाले भी हैं बीच में, यहाँ पे हमारे ये पहला प्रैक्टिकल शुरू हो जाता है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी वाला। तो इसमें आपने क्या काम करना है, डेफिनेटली इसमें जो प्रोसीजर है हमारे पास वो ये है, और इसके ऑब्जर्वेशंस भी हैं इस प्रैक्टिकल की, आई थिंक सो सिर्फ डायग्राम्स आपने ड्रा करनी है। तो इस तरह के जिस तरह जिन प्रैक्टिकल्स का कोई रिजल्ट्स नहीं है और वो ज़्यादा डायग्राम बेस्ड हैं, तो ये आपने ये इसकी ये डायग्राम ये जो लेबल हुई हुई है नीचे जिनके नाम लिखे हैं ये वाली डायग्राम्स आपने ड्रा करनी होती हैं। उसके बाद आपने ये भी ऊपर साइटोप्लाज्म वाली डायग्राम ड्रा कर देनी है। उसके बाद ये इसका पार्ट बी है, पार्ट बी में भी आपने इसका कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ आपने ये वाली इसकी डायग्राम ड्रा करनी है। जिनका यहाँ पे ये चीज़ें लिखी हैं प्रोसीजर एक्सपेरिमेंट नहीं लिखे, उनकी आपने सिर्फ ये लेबल डायग्राम ड्रा करनी है। बाकी जिनके साथ प्रोसीजर रिजल्ट्स वगैरह लिखे हैं उनको आपने सारा कुछ करना है। जिस तरह ये सी पार्ट है इसका स्टडी या पैरामीशियम, तो यहाँ पर भी आपने इसको कुछ भी ये प्रोसीजर वगैरह नहीं ड्रा करना, सिर्फ आपने इसकी ये वाली लेबल डायग्राम ड्रा करनी है। उसके बाद आगे चलते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है ये इसका 3 स्टडी ऑफ वॉल वॉक्स। वॉल वॉक्स में भी आपने इसकी ये वाली लेबल डायग्राम ड्रा करनी है, बाकी कुछ भी नहीं करना, क्योंकि देखें इसका प्रोसीजर है, ऑब्जर्वेशन है, और बाकी इसके आगे रिजल्ट्स वगैरह कुछ भी नहीं है। इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि आपने इस तरह अपनी बायो की प्रैक्टिकल कापी बनानी है। सारा आपको लिखने का शौक़ है, आप लिख सकते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला आपको। ये आप देख सकते हैं आगे हमारे पास सेल एंड टिश्यू आ गया। सेल एंड टिश्यू में ये देखो प्रोसीजर है हमारे पास, और इसकी ऑब्जर्वेशन भी है, और इसके ये देखें हमारे पास कंक्लूजन भी है। तो ये आपने सारे का सारा लिखना है। इसी तरह अगर आपको आगे मैं चलूँ, ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, इस तरह ये वाली लेबल डायग्राम है, लेबल डायग्राम आपने सारी बनानी है। उसके बाद ये अगर मैं आगे आऊँ 3 वाले पे, तो 3 क्या है, प्रिपरेशन ऑफ ब्लड स्मीयर, तो इसमें आपने ये वाली ये जो लेबल्ड हुई हुई है ये तीनों बनानी है, और इसका प्रोसीजर है, देखते हैं इसका रिजल्ट्स भी हैं। तो यहाँ पे इसके भी रिजल्ट्स नहीं हैं, तो
इसके भी आपने रिजल्ट्स नहीं लिखने, बस फिर सिर्फ ये वाली डायग्राम बना देनी है। उसके बाद सिंपली इसका जो पार्ट बी है, पार्ट बी का भी आपने ये वाली सारी डायग्राम्स बना देनी है। ये प्रैक्टिकल लिस्ट आपको आपके स्कूल की तरफ से भी प्रोवाइड की जाती है, तो आपने उसको भी देख लेना है। इधर भी इसकी ये वाली डायग्राम्स, ये जो लेबल डायग्राम है, ये लेबल डायग्राम आपने बनानी है। और उसके बाद इस प्रैक्टिकल की भी ऑब्जर्वेशंस है, तो इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये चीज़ें आपने नहीं लिखनी होती, लर्न अबाउट इट वाली। तो चलिए आगे आपको चल के दिखाता हूँ प्रैक्टिकल कॉपी, किस तरह इसको आपने बनाना है और क्या करना है। तो ये हमारे पास ये आपके पेज एक आ जाएगा, ये FBIS वाला, और यहाँ पे एक ब्लैंक पेज आपको मिलेगा। इसको आपने ब्लैंक हमेशा, इस पेज को, ये जो इस पेपर के साथ वाला पेज है, इसको आपने हमेशा ब्लैंक छोड़ देना है। आगे अगर आएंगे तो ये हमारा जो 10th के इस बार प्रैक्टिकल करने थे, तो हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 24 से शुरू किया। ये देखिए, ये आपने डायग्राम प्यारी सी बना के इस तरह नीचे इसको, अगर लेबलिंग है तो ये उसकी लेबलिंग लिख के, ये भी कोशिश करें ये चीज़ें पेंसिल से लिखें। इस तरह ये डायग्राम्स बनी हुई हैं, तो उसी तरह ये कंक्लूजन है। तो ये यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर 24 है, और एक्टिविटी टू कंपेयर ब्रीथिंग रेट, और उसके बाद मटेरियल्स आपने लिखने हैं, और मटेरियल्स मतलब अप्रेटस, और उसके बाद प्रोसीजर, ये आपने छोटा छोटा करके लाइंस आप खुद लगा सकते हैं जिस तरह इस बच्ची ने लगाई हुई हैं। तो उसके बाद आपने कंक्लूजन्स नीचे लिख के इसको ख़त्म कर देना है। तो यहाँ पे जिन्होंने चेक भी करना है, तो उनको भी मैं बताता चलूँ कि आपने क्या काम करना है, कि इस प्रैक्टिकल कॉपी को सारी की सारी को चेक करके आखिर पे आपने साइन कर देने, हर पेज पे साइन नहीं करने। यहाँ पे ये डायग्राम्स भी आपने, अगर आप चेक कर रहे हैं तो आप इन डायग्राम्स को भी चेक करके गुड वगैरह नीचे दे सकते हैं। उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 आता है हमारे पास 25, तो इसका भी ये देखें, इतनी खूबसूरती से आपने इसकी डायग्राम बना लेनी है। और उसके बाद इसको मैं चेक कर लेता हूँ, और उसके बाद 25 है, और ऑब्जर्वेशन वगैरह वगैरह कंक्लूजन लिख के ये भी आपने सारा देख लेना है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है, ये सिगरेट वाला है, हाउ टू डिटेक्ट अ सिगरेट स्मोक। इसकी भी यहाँ पे ये देखें डायग्राम बना लेनी है, ये डायग्राम मैंने चेक कर ली। और उसके बाद ये हमारे पास ये है, तो इस सारे को भी आपने इस तरह देख लेना है। ये आप देखते जाएँ किस तरह बने हुए हैं। उसके बाद ये किडनी वगैरह की चेक मैं बाद में कर लेता हूँ, साथ साथ पहले आपको दिखा दूँ ये किडनी वाली डायग्राम्स हैं, ये इस तरह बनी हुई हैं। उस तरह वीडियो बेशक लंबी हो जाए, लेकिन आपने देखनी लाजमी है ताकि आपको समझ आ जाए प्रैक्टिकल कॉपी को किस तरह बनाते हैं। ये देखें सारा, ये अब आई वाला था, आई वाला प्रैक्टिकल, इसको आपने सिर्फ डायग्राम बनानी थी, लेकिन यहाँ पे बच्ची ने दोनों जगह पे लिख दी है, लेकिन इसका भी कोई मसला नहीं। ईयर वाले की भी आपने सिर्फ डायग्राम बनानी है, ये मैंने आपको पहले बताया था, इसकी भी आपने सिर्फ डायग्राम बनानी थी, लिखना कुछ भी नहीं था। उसके बाद ये नेचर ऑफ बोन्स वाला प्रैक्टिकल था, इसकी प्रोसीजर ऑब्जर्वेशन वगैरह भी थी, इसलिए लिखा है हमने, और कंक्लूजन्स भी थी आखिर में, आप देख सकते हैं। इसी तरह ये आगे हमारे पास बाइनरी फीएन वाले की भी हमारे पास ये डायग्राम्स हैं, तो डायग्राम्स इसी तरह आपने खूबसूरत खूबसूरत बनानी है। ये इसकी भी कंक्लूजन थी, इसलिए इसको हमने लिखा है सारे को। उसके बाद ये यीस्ट वाला, बर्डिंग वाला, इसकी सिर्फ आपने वो करनी थी, इसको लिखना है बल्कि पूरा। बल्ब और ओनियन वाला है ये हमारे पास, इसकी डायग्राम देख सकते हैं, और इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी। ये कॉर्न वाले, इनकी सिर्फ डायग्राम्स बनानी थी, बाकी ये राइजोसोम्स वाले हैं। और इसी तरह मैं अगर आपको आगे दिखाता जाऊँ, ये डायग्राम है इसकी, इसके बाद इस वाले की ये है, उसके बाद इसकी ये, इसी तरह मैं आपको एक बार सारी डायग्राम्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे बस ख़त्म हो गई हमारी प्रैक्टिकल कॉपी, तो ये आखिरी पेज होता है, आखिरी पेज तो इसका ये वाला बन गया। तो फिर आपने क्या काम करना है, यहाँ पे इसको यहाँ पे साइन करके, यहाँ पे आपने इसको पहले तो ये हमने यहाँ पे चेक कर ली, और यहाँ पे आपने अपने साइन वगैरह करके इसको ख़त्म कर देना है। ये इस तरह ये आपकी कॉपी पे ही आखिर में ये साइन हो जाएगा, जिस तरह ये मैंने आज 13/5/22 है, तो इसका भी वो साइन कर दिया है। और बाकी आपने सिर्फ टिक शिक लगा देने हैं यहाँ से लेकर ही इस कॉपी पे यहाँ तक। ये मैंने अभी चेक भी करनी है, एक और कॉपी भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, ताकि अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए ला सकूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस आउट।